नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आईपीएल 2023 का आगाज 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। आईपीएल का पहला मुकाबला धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इसे शुरू होने में अब 15 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान अपनी पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत के चलते आखिरी टेस्ट में बैटिंग और फील्डिंग करने नहीं उतरे, जिसकी वजह से उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में और आईपीएल के शुरुआती मैचों में खेलना मुश्किल। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान, लेकिन उनको हुई इंजरी के कारण वो सीजन के शुरुआती मैचों को मिस कर सकते हैं। ऐसे में टीम उनकी जगह किसे कप्तान बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। खबरों के मुताबिक आंद्रे रसेल, नीतीश राणा या शाकिब अल हसन में से किसी एक को टीम की कमान सौंपी जा सकती। इस लिस्ट में शाकिब अल हसन का नाम सबसे आगे चल रहा है। शाकिब अल हसन को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इसी साल 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब वो टीम के लिए श्रेयस की गैर मौजूदगी में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शाकिब अल हसन ने अभी हाल ही में अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप विजेता टीम इंग्लैंड को T20 में 3-0 से हराया, जिसके बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि KKR टीम मैनेजमेंट उन्हें कप्तान बना सकती। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह आईपीएल सीजन बेहद अहम होने जा रहा है। पिछले साल खेले गए आईपीएल में उनकी टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी। लीग स्टेज में खेले गए 14 मुकाबलों में उन्हें 8 में हार का सामना करना पड़ा था और उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर रही थी। ऐसे में उनके लिए ये सीजन काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है।